टैली अकाउंटिंग के इस क्लास में आपका स्वागत है और इस समय हम सीख रहे हैं कि टैली के कॉन्ट्रा वाउचर पर किसी ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे की जाती है और कॉन्ट्रा वाउचर का ये तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे यदि एक बैंक से आप ट्रांसफर कर रहे हों और रिसीव करने वाले दो बैंक हो, मतलब किसी एक बैंक से ट्रांसफर करें और आपको ट्रांसफर करना है दो बैंकों में, जो रिसीवर बैंक हों वो दो हों, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन लिया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आप यस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना, तो 5-5 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से यस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में कितना, 5-5 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें जो है जो देने वाला है वो एक है और जो रिसीव करने वाले हैं वो दो है। रिसीव करने वाले यहाँ पर देखें यस बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो रिसीव करने वाले जो है उनको हम डीआर कहते हैं। तो डीआर जो है यहाँ पर दो है, जो बाई है वो दो हैं और जो टू है यानी जो देने वाला जो है सी आर है वो एक है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री टैली पे कैसे की जाती है, आइए हम जो है एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली पे, मैं आ जा रहा हूँ, मैं टैली पे यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने पहले से ये कंपनी बना रखी है वेदांश्री नाम का। हमें एंट्री करना है तो गेटवे ऑफ टैली पर जो है यहाँ पर वाउचर दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से जो है हमें जाकर के यहाँ से जो है अपने हमने वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर को यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे या तो F4 प्रेस करके भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं कॉन्ट्रा से संबंधित 7वें ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे से CR पूछ रहा है, मैंने आपको बताया कि जो देने वाला होता है उसे हम CR कहते हैं। तो हमारे इस ट्रांजेक्शन में देने वाला कौन है, डिलीवर कौन कर रहा है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से यस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी कि दे कौन रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। किसको किसको, यस बैंक को दे रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा को दे रहा है, यानी देने वाला यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं क्योंकि सीआर का मतलब देना होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्ट सी प्रेस करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बना लेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, लेजर बना दी रखा है, मैंने इसके पहले वाली क्लास में जो है मैंने आपको बताया है लेजर बनाने से संबंधित। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक एक क्लास एकदम शुरू से देखते हुए आप आइए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये जो पहला बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हमने वहां पर बनाया हुआ है। तो मुझे क्या करना है कि जो है यहाँ पर से ढूंढ लेना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये रहा, इस पे मैं गया और एंटर प्रेस कर दिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ चुका है। अब इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कितना पैसा दे रहा है, तो हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये यस बैंक और बड़ौदा को कितना दे रहा है, 5-5 लाख रुपए, यानी 5 दे रहा है यस को और 5 लाख दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा को, यानी टोटल कितना दे रहा है, तो 10 लाख रुपए दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो है सेंट्रल बैंक इंडिया के ठीक आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 लाख टाइप करना है। तो मैं टाइप कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हमने 10 लाख टाइप कर दिया। अब क्या करना है, हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद से आपसे ये इन्फॉर्मेशन आता है बैंक एलोकेशन का, इसको कंट्रोल ए से आपको स्किप कर देना है। मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। अब कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नीचे ये रेड हो गया है। रेड क्यों हो गया है, क्योंकि उसमें बैलेंस है नहीं, ठीक है, बैलेंस है नहीं, तो इसलिए हम लोग बस अभी डमी के लिए कर रहे हैं। तो रेड होने का ये रीजन है कि बैलेंस है नहीं और आप उसमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से 10 लाख रुपए आप दे रहे हैं। तो जो है हम लोग जो है बस ये देख रहे हैं कि इस तरह के ट्रांजेक्शन की एंट्री करते कैसे, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है जो रेड आया है, ठीक है। अब जब आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ 10 लाख टाइप करके जब एंटर करेंगे, एंटर करने पर आप जो है जब यहाँ पर आते हैं डीआर के पास, तो फिर आपसे पूछ रहा है कि डीआर कौन है, यानी सेंट्रल बैंक ने जो 10 लाख रुपए दिया है उसको रिसीव कौन कर रहा है, ले कौन रहा है। तो हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि रिसीव करने वाले दो बैंक, एक यस बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, लेकिन ये दोनों 5-5 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें यस बैंक जो है बना हुआ है यहाँ पर, देखिए यस बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। और यस बैंक जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि 10 का 10 लाख रुपए जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था यहाँ पर, वो पूरा का पूरा यस बैंक में आ गया है, जबकि सवाल में लिखा हुआ है 5-5 लाख रुपए। तो हमें क्या करना है, 10 को 5 कर लेना है। तो मैं 5 यहाँ पे टाइप करूंगा, 5 लाख हो गया। अब एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करने के बाद से फिर से मेरे पास बैंक एलोकेशन का आता है, कंट्रोल इसको मैं स्किप कर दूंगा। फिर से यहाँ पर डीआर आ गया, मुझे एंटर प्रेस करके आगे बढ़ना है और यहाँ पर यस बैंक फिर से दिख रहा है, लेकिन दोबारा यस बैंक नहीं, मेरे पास जो दूसरा बैंक था वो कौन था भाई, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। यस बैंक में हमने 5 दे दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 देना है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर देख लेना बैंक ऑफ बड़ौदा दिख रहा है, यहाँ सबसे ऊपर दिख रहा है, लेजर पहले से बने हुए हैं। बस मुझे क्या करना है, यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखें 5 लाख रुपए आपके यस बैंक में दिख रहे हैं और 5 लाख रुपए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में दिख रहे हैं। और ये 5-5 ये दोनों जो पैसे हैं 5-5 लाख रुपए, ये कौन दिया है, तो ये ट्रांसफर हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। तो इस तरीके से आप जो है अगर एक बैंक से ट्रांसफर किसी दो बैंकों में करना हो तो उसकी टैली पर कैसे एंट्री करेंगे, ये चीज आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, लास्ट में आप सेव कर लीजिए, कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर लिया।
इसी प्रकार से हमने जो है इस पूरे ट्रांजेक्शन को देख लिया कैसे एंट्री करनी है, इसी प्रकार से दूसरे ट्रांजेक्शन के भी हम एंट्री करना सीखेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए, ताकि एक बार रिविजन हो जाए, इसलिए मैं दो दो ट्रांजेक्शन को लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर जो है क्या है, तो इस बार देने वाले बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन रिसीव दो बैंक कर रहे हैं, पहला है कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये बैंक ऑफ इंडिया कितना कितना पैसा दे रहा है, तो पहले वाले में तो दे रहा था 5-5 लाख रुपए, दूसरे में कितना दे रहा है, तो 20-20 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है 20-20 लाख रुपए, किसको, 20 लाख महिंद्रा कोटक को दे रहा है, कोटक महिंद्रा को, और 20 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो चलिए इसकी भी एंट्री हम देख लेते हैं, हम टैली ओपन करेंगे, और हमें पता है हम इस समय कॉन्ट्रा पर ही हैं। सीआर हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है देने वाला कौन है, तो हमें पता है कि हमारा देने वाला यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देने वाला जो है वो बैंक ऑफ इंडिया है। तो हमें क्या करना है, अपने टैली पर यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बना लीजिए, लेकिन मैंने पहले से ही बैंक ऑफ इंडिया का लेजर देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करके एंटर कर दूंगा, बैंक ऑफ इंडिया आ गया। अब बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने पूछ रहा है कितना पैसा ये ट्रांसफर कर रहा है, तो ये 20 लाख रुपए जो है दे रहा है एक बैंक को जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, और 20 लाख रुपए जो है दे रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, यानी 40 लाख रुपए ये दोनों बैंकों को दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, 40 लाख रुपए यहाँ पर एंटर कर देना है, मैं टाइप कर दे रहा हूँ 40 लाख रुपए, टाइप करके एंटर प्रेस करिए, आपके सामने बैंक एलोकेशन का ये पेज खुलेगा, कंट्रोल से इसको आप जो सेव कर दीजिएगा, यहाँ रेड आ रहा है उसे परेशान मत होइएगा। आपके सामने जब यहाँ पर जो एंटर कर देंगे तो यहाँ पर डीआर और फिर यहाँ पर कोटक महिंद्रा दिख रहा है, तो हमें देख लेना है कि जो है हमारा पैसा किस में आ रहा है भाई। तो पैसा हमारा जो है कोटक महिंद्रा में 20 लाख आ रहा है और पैसा 20 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है। तो मेरे में पहले से कोटक महिंद्रा का देखिए लेजर बना हुआ है, अगर आप में नहीं बना हो तो आप बना लीजिएगा। कैसे बनाना है, इसके पहले वाले सारे क्लासेस में मैं एक एक करके बताते हुए आ रहा हूँ, आप क्लासेस को एक एक करके देखते हुए आइएगा, तब जाकर ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने कोटक महिंद्रा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, कोटक महिंद्रा को जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि जो बैंक ऑफ इंडिया से जो 20-20 लाख रुपए निकले हैं टोटल 40 लाख रुपए, वो 40 के 40 कोटक महिंद्रा में आ गया, जबकि हमारे सवाल के हिसाब से जो है कोटक महिंद्रा में कितना जा रहा है, तो कोटक महिंद्रा में सिर्फ 20 लाख जा रहा है, और बाकी के जो 20 लाख है वो किस में जाएगा, स्टेट बैंक में। तो वहां 40 के 40 जो दिख रहा है उसे हमें एडिट करके कितना कर लेना, 20 लाख। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 20 कर लिया, फिर मैं एंटर करूंगा और ये इसको मैं कंट्रोल से इसको स्किप कर दूंगा, और दोबारा जो है नीचे दोबारा कोटक महिंद्रा दिख रहा है, लेकिन कोटक महिंद्रा नहीं रखना है। इस बार जो 20 लाख रुपए है वो किस में आ रहा है, तो वो आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर मैंने लेजर बना रखा है, बस मैं उसको क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर 20 लाख रुपए दिख रहा है। तो हमने इसमें दिखा दिया कि बैंक ऑफ इंडिया से जो 40 लाख रुपए निकल रहे हैं, 20-20 लाख रुपए जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसमें से 20 लाख आ रहा है कोटक महिंद्रा में और 20 लाख रुपए आ रहा है SBI में, तो उसकी एंट्री टैली के कॉन्ट्रा वाउचर पर कैसे करेंगे। तो मैं इसको लास्ट में कंट्रोल से सेव कर लूंगा, देखना होगा तो पेज अप करके जो है आप पिछले ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, और अगले ट्रांजेक्शन पर आना हो तो पेज डाउन करके आप आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी आपने सीखा इस क्लास में, और आपने ये सीखा कि अगर एक बैंक से एक से ज्यादा बैंकों में ट्रांसफर किए जाएं, जब एक बैंक से दो बैंकों में पैसे ट्रांसफर किए जाएं, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन की टैली पर कैसे एंट्री करते हैं, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में प्रश्न को लिखिएगा, आपको संबंधित जवाब मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।